और लॉयर्स आप, आप लॉयर्स की बात करें हितेश जैन बीजेपी वाइस प्रेसिडेंट को भेजा जा रहा है इसको वो करने के लिए अमित सावटम बीजेपी के वो स्नेक सिंह को हेल्प करने के लिए स्नेक सिंह को अवार्ड और रिवॉर्ड दिया जा रहा है अभी की गवर्नमेंट में पहले लग रहा था कि सिर्फ ये अपना पॉलिटिकल बेनिफिट लेने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन अब साफ साफ दिख रहा है दे आर एकज दे मस्ट दे सम हाउ आर इन्वॉल्व मुझे नहीं पता कि वो पेन ड्राइव के आगे का पार्ट टू शायद पेंगवेंस के पास होगा इसलिए वो पेन ड्राइव काफी कभी आगे नहीं आ रही उसमें ये सारे बीजेपी के ही लोग दिखेंगे शायद साथ में ही हैंग आउट करते थे ना साथ ही में पार्टीज में जाते थे साथ ही में सारे काले कारनामे करते थे और बार बार ये जो पापा पैंगे ना ये भी कहते है कि आप लेकर आओ ले पेन ड्राइव हमारे पास भी है ऐसे ही धमकी देते लेकिन बात ये है कि कभी ना कभी एक एफ आई आर है उस पर कुछ तो करना ही पड़ेगा उन्होंने क्या जाँच की है वो तो सामने कोर्ट में रखना ही पड़ेगा भले ही ये बोले की हमारे पास कोई पर्याप्त सबूत नहीं है तो हम नहीं बोल सकते क्या है जैसे हमने देखा जिया खान केस में दस साल तक सीबीआई ने जाँच ही नहीं की। हत्या के एंगल से जांच ही नहीं की ऊपर से उनकी माँ को जजेस वो कह रहे हैं कि आप तो हत्या हत्या करके इतना टाइम वेस्ट कर रही हैं और इतना आप बहुत आपके ऊपर ही हम फाइन कर देंगे आफ्टर एट इयर्स आफ्टर एट years, दिस इज what जजेस said. जो कोलकाता में हो रहा है वो फिर से ब्लट एंड मिस ऑफ पावर एंड अथॉरिटी हो रहा है कूद के सीजेआई आ गए सो मोटो लिया हम सब बहुत खुश हुए कि चले इन्होंने you कॉग्निजेंस know, लिया है और ये कर, कराएंगे सीबीआई आ गई बाकी केसेस में तो बहुत डिले होता है इसमें तीन चार दिन में आ गई और आप देखे एक महीने से अभी तक उसे गैंग रेप नहीं रहा एंड वी कीप सींग साइकिल रिपीटिंग कभी महाराष्ट्र में कभी बंगाल में एंड सीबीआई को न एच कोई पूछेगा ना कोई नहीं पूछेगा उनसे कि आपका क्या स्टेटस है आप क्या कर रहे हैं आप देखेंगे कि इतने सारे सिमिलैरिटीज है सेम एमओ होता है इनका पूरे देश में सेम एमओ चल रहा है वी नीड थ्री नॉट टू इन एस एस आर इन दिशा केस नाउ ये अगर इंडिपेंडेंट एजेंसीज हैं लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं इट इज देयर ड्यूटी इट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू द इन्वेस्टिगेशन एंड नैप द कल्प्रेट्स